हल्की सी बरसात आ गई, हल्की हल्की सी। सोशल मीडिया पर वायरल अब्दू रोजिक को तो आप सब जानते ही होंगे। तजाकिस्तान के अब्दू हैं तो 19 साल के, लेकिन बचपन की एक बीमारी के कारण अब्दू और लोगों की अपेक्षा कद में काफी छोटे हैं। कद में छोटा रह जाना ये अब्दू ने खुद के लिए कभी घातक साबित नहीं होने दिया, क्योंकि इसी कद के साथ अब्दू ने बहुत सी ऊंचाइयों को छू लिया है। क्यूट और नटखटे अंदाज से वायरल आज हम आपको अब्दू के बारे में सब कुछ बताएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके फैक्ट्स। तो अब्दू, सब इंडियन लड़की को जानना है कि आपको किस टाइप का इंडियन लड़की या लड़की पसंद है। ब्यूटीफुल। अब्दू रोजिक का जन्म 3 सितंबर 2003 को तजाकिस्तान के पंजा गेट के एक गांव गिजदारबा की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। अब्दू की फैमिली में इनके माँ पापा, दो भाई और दो बहनें हैं। अब्दू एजुकेशन के नाम पर सिर्फ 20 दिन ही स्कूल गए हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे अब्दू का मजाक उड़ाया करते थे और मजाक उड़ाने का कारण अब्दू के अंदर रिकेट्स नाम की बीमारी का होना था। ये बीमारी अब्दू को 4 साल की उम्र से ही लग गई थी और इस बीमारी के कारण अब्दू और बच्चों की अपेक्षा बढ़ नहीं पाए। आज अब्दू की उम्र लगभग 19 साल हो चुकी है, लेकिन इनकी हाइट 3 फीट 1 इंच और इनका बॉडी वेट केवल 18 kg है। अब्दू जब छोटे थे तब इनके घर में गाने की कैसेट्स आती थीं। उन्हीं गानों को अब्दू भी गुनगुनाते रहते थे और अपनी सही उम्र तक पहुँचते पहुँचते इन्हें गाने का अच्छा अनुभव प्राप्त हो गया। मात्र 16 साल की उम्र में अब्दू को एक तजाकिस्तानी सॉन्ग करने को मिला। उस सॉन्ग का टाइटल वही दिली जोर था। ये सॉन्ग ठीक ठाक वायरल रहा। इसके बाद अब्दू ने कई सारे सॉन्ग्स किए। कुछ समय बाद अब्दू को तजाकिस्तान से दुबई शिफ्ट होना पड़ा। अब्दू कद में बेशक छोटे थे, लेकिन इन्हें भाषाओं का काफी अनुभव था। साल 2021 में अब्दू ने अजय सिंह का सॉन्ग इन्ना सोना गाया। ये सॉन्ग इंडिया में तेजी से वायरल हो गया। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। इसके बाद दुबई में ही हुए आईफा अवार्ड में भी अब्दू को इनवाइट किया गया। अब्दू सलमान खान सहित कई बड़े बड़े कलाकारों से मिल चुके हैं और वो सलमान खान के लिए एक गाना भी गा चुके हैं। जब अब्दू की मुलाकात सलमान खान से हुई तो उन्होंने अब्दू को बिग बॉस के सीजन 16 में बुलाया। बिग बॉस में अब्दू का इंट्रोडक्शन देते समय सलमान ने बताया कि अब्दू उनकी आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी काम कर रहे हैं। अब्दू आज इंस्टाग्राम पर भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग प्राप्त कर चुके हैं। अब्दू के इंस्टाग्राम पर आज 4.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। अब्दू सिंगर होने के साथ साथ ब्लॉगर, एक्टर, बॉक्सर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जब रहो जब रहा फैन हो गया।